हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। दगरु सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा, 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। डायबिटीज कंट्रोल अब आपके हाथ में, ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जीसस एंड मेरी स्कूल के सामने, रामगंज दरभंगा, बेस्ट डायबिटिक सेंटर इन बिहार। कराइए पैथोलॉजिकल जांच और डिजिटल एक्सरे, वह भी अपोलो की गुणवत्ता और गारंटी के साथ। होम कलेक्शन सुविधा भी उपलब्ध। अपोलो डायग्नोस्टिक्स, वीआईपी रोड, होंडा शोरूम के निकट दरभंगा। एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2020-23। दार्जिलिंग की शिक्षिकाओं की देखरेख में पूर्णतः अत्याधुनिक शिक्षा व्यवस्था, सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल, प्री नर्सरी टू 10th, वीआईपी रोड, अलपट्टी, दरभंगा। डॉक्टर और इंजीनियर फैकल्टी टीम के साथ करें तैयारी नीट, जी और बोर्ड की, जो पिछले 3 साल से दे रहा सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट। एडमिशन ओपन, ग्रे मैटर, खानका चौक, दरभंगा। दरभंगा बाल गृह के 8 बच्चे फूड प्वाइजनिंग के शिकार, अस्पताल में चल रहा इलाज। दरभंगा के लहेरिया सराय में सैद नगर में अवस्थित बाल गृह, जहां माँ बाप एवं परिवार से किसी कारण बिछड़े बच्चे लाए जाते हैं, उनके रहने खाने आदि की पूरी व्यवस्था सरकार करती है, बावजूद इसके कभी बच्चे भाग जाते हैं तो कभी फूड प्वाइजनिंग का शिकार हो जाते हैं। बाल गृह के 8 बच्चों के दरभंगा में विषाक्त भोजन का शिकार होकर बीमार होने की सूचना मिली है। सभी बच्चों का इलाज डीएमसीएच में चल रहा है। यदि यह मामला डीएमसीएच तक नहीं पहुंचता तो कई मामलों की तरह यह मामला भी दबा रह जाता। प्राप्त जानकारी के अनुसार विषाक्त भोजन खाने से दरभंगा बाल गृह के 8 बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उल्टी और दस्त होने पर उन्हें इलाज के लिए डीएमसीएच के मेडिसिन विभाग में दाखिल कराया गया। इलाज के बाद इनमें से 6 बच्चों को खतरे के बाहर बताया गया है, लेकिन 2 बच्चे की स्थिति गंभीर बनी हुई है। सभी बच्चों का इलाज डॉक्टर HC झा यूनिट में चल रहा है। बच्चों को मेडिसिन विभाग में लाए जाने के बाद चिकित्सकों ने अविलंब इलाज शुरू किया। अधीक्षक डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा ने भी उन लोगों की स्थिति की जानकारी स्वयं ली। बच्चों का इलाज कराने में बाल गृह के कई स्वयंसेवक भी मुस्तैद हैं। हालांकि बच्चों के खान पान को लेकर पूछने पर उन लोगों ने कुछ भी बताने से इनकार किया है। यह मामला विषाक्त भोजन करने का है, इसमें कुछ बच्चे पेट दर्द और उल्टी से प्रभावित हो गए। एक दिन पहले लोगों ने कुछ खाया था, लेकिन इसमें भी परस्पर विरोधाभास है जो क्या खाया था। तो 8 बच्चे यहाँ आए और भर्ती हुए, जिसमें 2 बच्चे ज़्यादा उल्टी हो जाने के कारण इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो गया था। उनकी स्थिति थोड़ी गंभीर थी। डॉक्टर HC झा यूनिट में मेडिसिन में वो लोग भर्ती हैं। सबों का उपचार चल रहा है।